उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री बनने से पहले एक वादा किया था कि जम्मू कश्मीर में जो प्रथा वर्षों से चली आ रही है उसको एलजी ने समाप्त किया, मैं दोबारा शुरू करने जा रहा हूँ या मैं दोबारा शुरू करूंगा जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। अब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो चुके हैं, आम जनमानस या व्यापारी वर्ग इस प्रथा को लेकर क्या कहता है आपको बताते हैं। इससे क्या लगता है, दरबार मूव की प्रथा चीफ मिनिस्टर को दोबारा शुरू करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल करनी चाहिए, और इनफैक्ट आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये चुनी हुई सरकार है और जम्मू के हितों की रक्षा ज़रूर करनी चाहिए। ये नहीं है कि एनसी ने वहीं से सीट्स ली हैं, अब सरकार बन गई है तो जम्मू के हितों को देखते हुए यहाँ पे दरबार मूव की जो प्रथा है हरि सिंह जो महाराजा के टाइम से चली हुई है वो ज़रूर बहाल कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है, बिजनेस कम्यूनिटी है जो इसमें बहुत सफ़र है, और एक पॉपुलेशन वहाँ से आती है और एक कल्चरल एक्सचेंज भी होता है लोगों के बीच में, तालमेल बढ़ता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लोग यहाँ पर आते हैं, शॉपिंग करते हैं, होटल इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, छोटे दुकानदारों को फ़ायदा होता है, और ऑनलाइन का आजकल ज़ोर है और ऑनलाइन ने बहुत बाज़ार में मार्केट्स में स्लम्प करा हुआ है, तो उनको आना चाहिए और दरबार मूव को बहाल करना चाहिए। जैसे कि ट्रेन भी आपको मालूम ही है कि अगले साल से श्रीनगर जा रही है और जम्मू कटरा तो पहले ही चलेगी, और जम्मू में टूरिस्ट का बहुत प्रभाव है। हाँ, ये है कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जम्मू के लिए जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे आउटसाइड द स्टेट, उसकी तरफ जम्मू के लिए ध्यान देना चाहिए, ये पठानकोट बन के ना रह जाए। बिल्कुल, सरकार तो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, अगर लोगों की भावनाएं अगर उसके उसके प्रति है कि यहाँ पे उसको दरबार मूव आना चाहिए, तो सरकार को सोचना चाहिए कि दरबार वापस लाने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि ये महाराजा के टाइम से भी ये दरबार यहाँ आ रहा था। मगर अगर सरकार ने, अगर एलजी सरकार ने अगर उसको रोका है, अगर उसमें से पैसे की बचत हो रही है, तो सरकार को अगर वो पैसे को कहीं और यूटिलाइजेशन होगी, अगर उससे बचत होके कहीं हमारे हेल्थ सेक्टर में होगी, तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि हम चंद दुकानदारों को या कुछ लोगों को खुश करने के लिए वो पैसा अगर हम इस्तेमाल करेंगे, उससे फ़ायदा लेने के लिए वो अगर सरकार पैसा बचा रही है तो बहुत बढ़िया है। देखो दरबार तो देखो कश्मीर के लिए और चारा कोई नहीं है, अगर वो जम्मू नहीं तो दिल्ली जाएंगे, क्योंकि ठंड में इतनी सर्दी होती है वहाँ पे, वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, दुश्मन होता है, तो उन्होंने आना ही आना है। तो आप सबसे पहले तो हमें एजुकेट करना चाहिए अपने व्यापार को कि हमें किस तरीके से अच्छी क्वालिटी बेचनी है और कस्टमर को किस तरीके से लाना है, उससे अगर हम अच्छी क्वालिटी और अच्छा स्टैंडर्डाइज चीज़ें बेचेंगे तो नेचुरली दुनिया लोग क्या, पूरे भारतवर्ष से लोग हमारे पास यहाँ आएंगे शॉपिंग करने के लिए। तो हमारी सोच तो अपने आप को थोड़ा सा, हमें निर्भर किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए, पूरे अपने व्यापार को और बढ़िया करने के लिए हमें करना चाहिए। क्या कहेंगे कि सीएम को दोबारा दरबार मूव की प्रथा शुरू करनी चाहिए? देखिए, ये एक जो दरबार मूव का मुद्दा है यहाँ पे, तो हमें एक सबसे पहले यहाँ पे एक क्लैरिटी चाहिए कि जैसे हमारी स्टेट रूट पहले होती थी, तब हमारी दरबार मूव होती थी तो हमारे 6 महीने कैपिटल जम्मू रहती थी, 6 महीने श्रीनगर रहती थी, वहाँ पे अगर उस लेवल पे भी हमारी कोई क्लैरिटी नहीं है। और साथ में दरबार मूव की अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहता था कि एक जब भी दरबार मूव यहाँ पे होता था या यहाँ से वहाँ पे होता था, दोनों साइड की इकोनॉमी में फ़र्क आता था। और साथ में उसके अबव ऑल क्या कि अगर आप, हमें सभी पता है कि यहाँ पे जम्मू और कश्मीर का दोनों का कल्चर टोटली डिफरेंट कल्चर है, लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उसमें एक दूसरे से मिलने जुलने का टाइम मिलता था, समझने का टाइम मिलता था, उससे एक बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती थी। तो डेफिनेटली इसमें यह है कि हम बोलें कि इकोनॉमी को बूस्ट डेफिनेटली होता है। अब उसमें पहले कुछ कहा गया कि जैसे कि कुछ अराउंड हमारा 200 करोड़ का खर्चा होता है दरबार मूव के साथ, राइट, लेकिन हम उस एक 200 करोड़ के खर्चे को बचाने के लिए अगर हम 2000 करोड़ का नुकसान कर दें, वो हमें किसी तरह से भी वायबल नहीं लगता। इसके लिए हम यहाँ पे सभी व्यापारी वर्ग, सभी यहाँ पे सिर्फ हम रुनाबदार में हैं या बाकी और भी, सभी चाहते हैं कि दरबार मूव हो जिसके साथ इकोनॉमी में थोड़ा बूस्ट रहे, ये चीज़ें होनी चाहिए जो हम लोगों का ऐसा सोचना है। क्या चाहते हैं फिर से दरबार मूव की? मेरा नाम दीनदयाल कपूर है, हमारा बिजनेस है क्लॉथ का, और यहाँ दरबार मूव आना चाहिए इसलिए क्योंकि यहाँ से रौनक बढ़ती है और बिजनेस भी बढ़ता है। और क्या चाहिए आपका? अभी क्या फर्क क्या पड़ा है जब से दरबार मूव खत्म हुआ है? बिजनेस थोड़ा स्लो डाउन हो गया है और ये ट्रेनें भी सीधी कटरे वगैरह जाने से बिल्कुल ही टूरिस्ट खत्म हो गया है, और जो बिजनेस जो है ना वेरी
वेरी लो हो गया है। आपके बाजार को यहाँ पे कहा जाता है हेरिटेज जो साइट बनाया जा रहा है, उससे कुछ फायदा हुआ अभी काम? नहीं, अभी तो कुछ नहीं, उसके बाद रिवर्स होगा काम, क्योंकि जब बाजार बन रहा था तो बिजनेस बिल्कुल ही डाउन चल गया, देयर वाज नो वर्क, और इवन आफ्टर दैट वर्क हैज नॉट सर्वाइव्ड। अभी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं, बहुत बहुत कम, वेरी रेयर रेयर टूरिस्ट। क्या कहेंगे, क्या लगता है कि दरबार मूव की प्रथा को दोबारा शुरू करना चाहिए या नहीं? देखिए जी, सबसे पहले जो नई गवर्नमेंट बनी है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि वो अपना काम जो लोगों से उन्होंने वायदे किया उसको बेखूबी से निभाए। एक दरबार मूव का जो मुद्दा है, ये हमारा 150 साल पुरानी परंपरा थी जो हमारी चली आ रही थी, ये 3-4 सालों से ये परंपरा बंद हो गई। उससे एक व्यापार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता था, व्यापार जो है वो उससे बढ़ता था। क्या होता था, 6 महीने राजधानी जम्मू होती और 6 महीने श्रीनगर होती थी, जिससे क्या होता था, जम्मू वाले श्रीनगर जाते थे, श्रीनगर वाले जम्मू आते थे, और जब कैपिटल जम्मू होता था श्रीनगर वाले लोग आते थे सेक्रेटरीट में अपने रुके हुए काम करवाने, जब श्रीनगर होता था जम्मू वाले जाते थे। इससे ये एक बड़ा अच्छा संकेत जाता था, ये चीज़ एक बड़ी अच्छी थी, और इससे कारोबार में भी हमारा जब से दरबार मूव हुआ है एज ए बिजनेस मैन, ये मैं कहूँगा कि हमारे कारोबार में फ़र्क पड़ा है। इससे एक एक दायरे को फ़र्क नहीं पड़ता, इससे बहुत ज़्यादा दायरे इसके साथ शामिल है, चाहे दुकानदार है, चाहे होटल वाले हैं, चाहे ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे रिक्शे वाले हैं, चाहे लेबर वाले हैं, हर एक को फ़र्क पड़ता है। और मेरी यही गवर्नमेंट से अपील है कि इस मुद्दे पे जल्दी से जल्दी गौर किया जाए, जो अपनी परंपरा पुरानी चल रही थी उसको लागू किया जाए और दरबार मूव फिर से शुरू किया जाए।